न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीएड प्रवेश परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। कहा, परीक्षा में शुचिता और सुरक्षा का रखा जाए विशेष ध्यान। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क भी हो अनिवार्य। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों की बैठक। जेई एईएस के रोकथाम के दिए निर्देश। कहा, रोके बीमारी ना होने पाए कोई चूक। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्माणाधीन फोर लेन व उपगामी सेतु के कार्यों की समीक्षा। दी आवश्यक दिशा निर्देश। जापानी इंसेफ्लाइटिस के खतरे को देखते हुए एसडीएम सदर ने किया खोराबार और पिपराइज के सीएससी और पीएससी केंद्रों का निरीक्षण। कहा, सेंटरों पर व्यवस्था रखे सुदृढ़, जिससे बीमारी पर लग सके लगाम। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ शहर में किया गया पैदल भ्रमण। आम जनमानस को यातायात के नियमों और कोरोना से बचाव के संबंध में किया गया जागरूक। सेवा योजन कार्यालय में ऑनलाइन रोजगार मेले के तहत रोजगार पाए 24 युवक और युवतियों को मंडल आयुक्त ने दिया ऑफर लेटर। कहा, इसको एक अवसर की तरह लें और मेहनत करके और बढ़ें आगे। एक तरफ जहां सावन माह में कांवड़ यात्रियों और शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की देखने को मिलती थी भारी भीड़, इस वर्ष किया गया प्रतिबंधित। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, लॉकडाउन के नियमों का पालन कराते हुए करने दी जाएगी कोई भी कार्रवाई। गोरखपुर जनपद में नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण। जिले में मिले 25 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 510, जिसमें 331 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं अपने घर। अब तक 14 लोगों की हो चुकी है मौत। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने थाना गुलहरी अंतर्गत सरहरी पुलिस चौकी का किया उद्घाटन। कहा, अब यहां जनता और पुलिस के आपसी सहयोग से अपराध और अपराधियों पर लगेगा लगाम। महानगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई किराना कमेटी सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की बैठक। रोस्टरवार दुकानें खोलने के दिए निर्देश। कहा, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। बांसगांव सांसद मामले को लेकर पटरी व्यवसायी संघ ने बुधवार को जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। कहा, सांसद की संपत्ति की जांच कर की जाए कार्रवाई। और कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए गोरखपुर पुलिस द्वारा लगातार चलाया जा रहा है अभियान। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, घर से निकले तो मास्क लगाकर निकले, नहीं तो काटा जाएगा चालान।